सतीश जैन है, श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा से। आज इंजीनियरिंग जियोलॉजी के कुछ डिफरेंट शेप रॉ मिनरल्स के कारण जो सैंड का डिपोजिशन होता है उसकी अलग अलग शेप बनती है और जो फॉर्मेशन होता है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले अपन ने पढ़ा था कि जो बर्खांस हैं, तालूज है, एल्यूवियल सॉइल है, इन सब का कैसे डिपोजिशन होता है, कौन कौन सी जो नेचुरल एजेंसीज हैं जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, इनके द्वारा जो सैंड्स के पार्टिकल हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करके वो डिपोजिट कर दिए जाते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट शेप बनती है उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो नेचुरल लिविज का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, नेचुरल लिविज का जो फॉर्मेशन होता है जो अपना वाटर फ्लो होता है रिवर का, उसके जो साइड्स में कुछ चैनल्स बन जाते हैं और जो सेडिमेंटेस पार्टिकल हैं वो सेडिमेंट्री हो जाते हैं उसके लेयर्स के रूप में, और एक बीच में जो रिच लाइन बन जाती है इस टाइप का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम नेचुरल लिविज बोलते हैं, जो लाइन लाइन से बन जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण जो पानी का फ्लो होता है तो जहाँ पर पानी का फ्लो लेट तक होता है वहाँ पर जो सैंड के पार्टिकल है वो लेट डिपोजिट होते हैं, और उससे पहले जो पानी के फ्लो होने के पैरेलली जो रिज लाइन्स बन जाती हैं ऐसे फॉर्मेशन को नेचुरल लिविज बोलते हैं। तो नेचुरल लिविज आर द लो रिज विच आर फॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर, रिवर के दोनों साइड चैनल्स के द्वारा जो पार्टिकल हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। They tend to confine the flow of river water into the channel between flood stage. The natural lives occur in the river which have broadly flowed plan during floods. The river overflow its bank and its velocity decrease rapidly. As a result, most of coarse sediment is deposited along the area bordering the river. Finer sediments are deposited more widely over the flood plain. In this phase, successive flood build up ridge on both sides of river channel, which are called natural levees. The natural levees of lower Mississippi rivers rise 6 meters above the valley floor. The area behind the levees are poorly drained, as water cannot flow up the leaves to join the river. The marshes thus form are called back swamp. The tributary stream often has to flow parallel to the main stream until it can branch the leaves. Point bar. In meandering river sediments, deposits occur as point bar. The point bar are the crescent shape deposits which occur at the inside bend of river channel. Next, delta. तो हम शुरू से भी सुनते आ रहे हैं कि डेल्टा क्या होता है। जब नील रिवर बहते हुए किसी समुद्र या तालाब में मिलती है तो
उसका धीरे धीरे जब मिलती है तो पानी के टकराने से वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने से जो उसमें मिक्स सेडिमेंट्स पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। डिपॉजिट होने के कारण उस पूरे एरिया में वो स्प्रेड हो जाते हैं। उस पूरे एरिया को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा, जिससे वहाँ की जो लैंड होती है वो उसकी फर्टिलाइजर कैपेसिटी, उर्वरक क्षमता इंक्रीज हो जाती है और उस मिट्टी में प्रेजेंट फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फास्फोरस सोडियम की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, जिससे हमारी जो लैंड है वो क्या हो जाती है, अच्छी उपजाऊ हो जाती है। जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है कि ये आपका सी लेवल है, ये आपका बेड लेवल है, ये फोरसेट लेवल है और ये है आपका टी लेवल। अब यहाँ से जैसे जैसे आपका पानी फ्लो होते होते सी लेवल पर जाके टकराता है तो जो सैंड्स के पार्टिकल हैं वो धीरे 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 यहाँ से डिपॉजिट होने लग जाएंगे और धीरे धीरे इस शेप में वो फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा इसका एरिया धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज होता जाएगा। तो डेल्टा आर द डिपॉजिट होल्ड एट ए माउथ ऑफ स्ट्रीम, द डेल्टाज आर यूजुअली ट्रायंगुलर इन शेप विद देयर अपेक्स पॉइंट अप स्ट्रीम। When a stream enter an ocean or lake, the current of the flowing water dissipate quickly. This result in the deposition of series of sedimentary layer, which make up the delta. The material of most deltas is well sorted and many deltas are uniform graded. The structure of delta deposits is shown in figure. It consists of three set of beds, bottom set beds, foreset beds, top set beds, bottom set beds. The thin horizontal beds which overlie the ocean's bottom are called bottom set beds. They are mainly composed of fine grained sediment such as silts and clay. तो सबसे जो smallest particle होंगे वो आपके sea level तक पहुंच जाएंगे और sea जहाँ का सी का कॉर्नर है उस पर पहुँचने के बाद में वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेगी। जैसे जैसे अपन थोड़े डिस्टेंस पर बढ़ते जाएंगे अपने जो पार्टिकल साइज है, जैसे कोर्स आ गया, सैंड आ गया, बोल्डर्स आएगा, उनकी साइज धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ती जाएगी। तो फोर सेट बेड्स बिगेन टू फॉर्म प्रायर टू एक्युमुलेशन ऑफ बॉटम सेट बेड्स। These beds are composed of coarse sediments, which is drop almost immediately when a river enters in a lake or ocean. The foreset beds appear similar to corresponding, and their angle of slope vary from 12 degree to 32 degree, depending on the grain size of the material. नेक्स्ट प्रोफाइल लेवलिंग, जो आपका डेल्टा बन रहा है तो डेल्टा बनने पर आपकी जो वेल ग्रेडेड है या फिर स्टीप ग्रेडियंट है उसके बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि वो उसका ग्रेडियंट कितना है। तो आपका जो डेल्टा है, डेल्टा का स्लोप ज़्यादा तो नहीं है, उसके बेसिस पे अपन प्रोफाइल ऑफ इक्विलेरियम अपन इजीली देख सकते हैं। स्ट्रीम हैव टेंडेंसी टू कट एंड रिमूव द मटेरियल फ्रॉम हाई ग्रेडियंट रीजन एंड डिपॉजिट्स
it in the low gradient area. In due course of time, when a uniform longitudinal slope is developed throughout the stream course, the process of erosion and deposition changes such a slope is called the profile of equilibrium or graded profile of stream. जैसा डायग्राम में दिया है कि अपना जो नेचुरली क्या होता है कि जो अप स्ट्रीम है किसी भी स्लोप का, वहाँ से आपके जो मिनरल हैं इरोज होते हुए जो लोअर एरिया है उसमें जाके क्या होते हैं, डिपोजिट होते हैं, और इसका जो स्लोप वो क्या कहता है आपका, यदि शार्प है तो वो आपका वेल ग्रेडेड हुआ, और यदि स्टेप है तो आपका क्या हो रहा है, वो प्रॉपर इरोजन नहीं हुआ है, कभी कम कभी अधिक उसकी टेंडेंसी क्या है, कटिंग की अनइक्वल है। ड्रेनेज सिस्टम, अब ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आपके कोई रिवर फ्लो रही है, रिवर ट्रिब्यूटरी है या फिर किस टाइप्स की है, उसके साइड से प्रॉपर ड्रेनेज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कितनी सैंड्स अपने साथ इरोड करके लेके आ रही है, उनके बेसिस पे अपन पूरा ड्रेनेज सिस्टम। ए ड्रेनेज बेसिन ए लैंड एरिया सराउंडेड बाय डिवाइड्स विच कंट्रीब्यूट वाटर टू द रिवर इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। आपका ड्रेनेज बेसिन क्या होगा कि कितने एरिया से आपका वाटर है वो कंट्रीब्यूट कलेक्ट होके उस रिवर के अंदर आ रहा है। Divides. It is the ridge of high ground which separates two drainage basin. Divides range in size from a ridge separating to a small gully to continental divides, which divides continents into large drainage basins. River capture is the process by which a part of the drainage of one river is diverted into another due to greater discharge, slope of other factor, and the stream on one side of a divide may erode the valley more actively than the stream on the more actively than the stream on the opposite sides, while lengthening is valley headward, it may reach the less active river. By breaking down the divide between two and divert a part or all of its drainage into its own channel, the river capture commonly occurs in the youth stage. It's become less common as stream grow larger and is rare in large river drainage pattern. Although all drainage network branch in the same way, the shape of their pattern varies greatly from one kind of terrain to another depending upon the rocks type or structure. The chief drainage pattern are dendrite, terrace, rectangular, radial and parallel. First, dendritic pattern. A dendritic pattern, the streams show a branching tree like arrangement. This pattern developed in terrains covered with uniform rocks types such as horizontal sedimentary rocks or massive igneous or metamorphic rocks.
टेरेस पैटर्न, ए टेरेस ड्रेनेज सिस्टम इज वन ऑन विच मेजर स्ट्रीम आर पैरेलल एंड शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एज शो इन दिस फिगर. The different tributaries and small ridge of resistance rock, then water come from these rocks, and this type pattern is made up is a talus pattern. Nearly right angle, this type of drainage pattern develop in region containing flooded or tilted strata. Here the main stream develop in the Styx valley, cut into the soft rocks, while tributaries flow down the resistance. A rectangular pattern as shown in the figure this. Then the different weathering of faults or joints system in bedrocks localize the stream flow, producing a more ordered rectangular drainage. In rectangular drainage pattern, the angular deflection of stream courses are apparent. Radially pattern, in a radially drainage, the stream flow outward in different direction from the central high point. This pattern commonly develop on the elevated structure such as volcano or dome. This type structure is made of radially pattern. Parallel pattern, this type of drainage pattern develop in a terrain contain tilt rock beds and parallel faults. Type of stream on the basis of development and origin, the stream has been classified into four: consequent stream, subsequent, antecedent, and superposed drain. First, consequent stream are those which follow the slope of the initially land surface. Subsequent, these are the tributary stream which develop on the sloping side of stream valley. Subsequently, stream generally take their course along the weak and easy erodible zones such as rocks boundaries, fault zones, joints act. These weak joints are discovered and eroded after the development of the consequent stream. Antecedent stream are those which are available to maintain their original course across the area uplift. Superposed stream, geologic events may be strongly control the horizontal bedded younger formation may erode through its to exposed to underlying strongly folded and faulted older rocks of bearing hardness. Over the older rocks, the stream courses will not easily adjust to form a wholly new drainage pattern. Approaching to the structure of rocks, such stream are called as superposed stream. Stage of valley development. The development of stream valley take place in the orderly fashion. A valley passes through three stages during its evolution.
The three stages are the youth stage, mature stage and old stage. STM is said to be in the youth stage when it is cut its belly downward to establish a graded condition with its base level. First position, the youth stage is commonly found in mountainous region from where a stream starts its journey. Second region, down cutting is dominant, belly narrow shaped, belly longitudinal profile is ungraded, the gradient is steep and waterfall and rapid are common. Belly floor, the stream occupying most of the width of valley floor, as result there is little or no floodplain. Stream pattern, the stream course is angular and without meandering. The tributaries are short and few. Mature stage, a stream is said to be in a mature stage when downward erosion diminishes and lateral erosion dominates. First position, mature stage is found in the plain lane and adjacent to the mountain region. As we can show this figure, the youth stage, only a small valley is developed and the mature stage is the large valley developed due to erosion of deposition of the minerals. Second, erosion, down cutting is slightly and side cutting becomes dominant. In the mature valley, broad and throw shape, इसमें जो valley construct होंगे जो क्या हो जाएंगे आपकी broad हो जाएंगी, throughly shaped होंगे. Longitudinal profile, waterfall and rapid are absent. Valley bottom is graded so that the longitudinal profile exhibits a relatively smooth curve. The gradient is मॉडरेट, आपका जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, मॉडरेट होगा. वैली फ्लोर, द स्ट्रीम स्विंग्स इन द मैंडर्स, आपकी जो स्ट्रीम्स फ्लो होगी वो मैंडर्स में होगी, सर्किल आकार में होगी, ऐसे ऐसे ऐसे. द फ्लड प्लान आर द नैरो एंड सैंड बार आर प्रेजेंट. स्ट्रीम पैटर्न, द स्ट्रीम मूव्स इन द मैंडर्स, the tributaries are many. आपकी stream क्या होगी, meander होगी, और जो tributaries होंगी वो क्या होंगी, इसमें बहुत सारी tributaries होंगी, जैसे यहाँ से आप क्या है ये इसमें आके connect होगी meandering main stream में, तो इस types के आपके stream pattern construct होंगे. Old stage, in old stage the flood plain of stream becomes several times wider than meandering. जो आपके mature stream के अंदर थी आपकी जो meandering है वो और क्या हो जाएगी, flat हो जाएगी, एंड उसकी साइज है वो क्या हो जाएगी, wider हो जाएगी several times आपके mature stage के. Pattern, old stage is found near the mouth of stream